मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल में। चैनल का नाम आयुर्वेदिक पौधों का ज्ञान है। मित्रों आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय चार होंगे, मेडिसिनल यूज, पौधा कहाँ मिलेगा, पौधे को कैसे तैयार करें, पौधे का ध्यान कैसे रखें। इन चार बातों पर आज बात करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था वह पौधा बरियारा का था। आज हम लोग जिस पौधे के बारे में बात करेंगे, पौधे को साइंस में कहते हैं माइमोसा प्यूडिका। इस पौधे को आम भाषा में कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे लज्जालू, लाजवंती, छुई मुई। मित्रों ईश्वर ने क्या खूब बनाया है, ये पौधा देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही छूने में भी अच्छा लगता है। भगवान ने सुरक्षा कवच के तौर पे इस पौधे को कांटा प्रदान किया है। आइए बात करते हैं इस पौधे के मेडिसिनल गुणों के बारे में। पौधे के ऊपरी भाग में मूत्रल विषाणुरोधी होता है, रक्तचाप को कम करने का गुण पाया जाता है। आइए बात करते हैं यह पौधा कहाँ मिलेगा। मित्रों यह पौधा आपके जानने वाले के यहाँ लगा हो तो आप वहाँ से बरसात के सीजन में इस पौधे को लाकर अपने घर पे लगा सकते हैं। आपको नर्सरी में भी ये पौधा मिल जाएगा आसानी से। इस पौधे को तैयार करने की विधि, इसका पौधा फूलों से तैयार होता है, फूल ही इसका बीज है। इस पौधे का ध्यान कैसे रखें, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये पौधा हर जगह चल जाता है। पानी की आवश्यकता सामान्य होती है, रोग नहीं लगता है। आइए हम लोग पौधे को ध्यान से देखते हैं, छूकर महसूस करते हैं। आइए मित्रों इस पौधे को ध्यानपूर्वक देखते हैं। इस पौधे को छूने से पहले मुझे सोचना पड़ रहा है मैं इसको छूं अभी कि ना छूं। इसकी पत्तियों को बहुत ध्यान से देखें आप, फ्लावरिंग इसकी आप देख सकते हैं, फ्लावर इसके बहुत खूबसूरत हैं। इसकी बीज को मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं छूंगा तो ये मुरझा जाएंगे। इसको छुई मुई क्यों कहते हैं ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसको आप जितना छुएंगे ये देखिए, छूते ही ये मुरझाने लगते हैं। आइए आपको सीड दिखाता हूँ मैं इस पौधे का। ये इस पौधे का सीड है, इसी से जर्मिनेशन होता है प्लांट का, आप देख सकते हैं। मित्रों इसको लाजवंती छुई मुई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि छूने पर ये पौधे मुरझा जाते हैं। बाकी सारी बातें पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। इसको तैयार करने की विधि यही है, बरसात के सीजन में ये प्लांट ज़्यादातर जर्मिनेशन अपने आप होता है जहाँ पे ये लगे हुए हैं, नहीं तो आप सीड कलेक्ट करके आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। थैंक यू मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।